जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। सभी महापुरुषों की जय। संत समाज की जय। बोलो साधो सत साहे। परमादरणीय सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जो ये संत समागम हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता हमारे पूजनीय आदरणीय आचार्य कौरपाल जी महाराज जी की देख रेख में ये संत समागम हो रहा है, और सभी गुरु प्रेमी इसमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। संत महापुरुष बताते हैं कि जो मनुष्य संतों के दरबार में जाते हैं, संत महापुरुषों की वाणी को सुनते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, उन पर अमल करते हैं, तो वो मनुष्य वो जीव धन्य हो जाते हैं। इंसान के दो खाते होते हैं, एक धर्म का और एक अधर्म का। जो आप निंद्रा का त्याग करके गुरु के दरबार में बैठे हुए हैं, तो वह समय आपका धर्म के खाते में लिखा जा रहा है। जो हमको ये मनुष्य का चोला प्राप्त होता है, तो संत महापुरुष बताते हैं कि जब धर्म का पलड़ा भारी होता है, तो हमको ये मनुष्य का चोला प्राप्त होता है, और जब अधर्म का पलड़ा भारी होता है, तो फिर हमको अनेक योनियों में जाना पड़ता है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे थे, संत आचार्य कौरपाल महाराज जी बता रहे थे कि इंसान अपने मन के स्वाद के लिए अनेक हत्याएं करते हैं। तो गुरु प्रेमियों, ऐसे हमें कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम इस संसार को धोखा दे सकते हैं, पर लेकिन उस परमपिता परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव जैसे कि बिलासपुर है, उसमें एक रामपाल नाम के व्यक्ति रहते थे। तो काफी बेकार व्यक्ति थे, ईर्ष्या द्वेष करते थे, चोरी करते थे, अपहरण करते थे, पर लेकिन वो समाज की नजरों में बड़े शरीफ थे, क्योंकि इन्होंने समाज को विश्वास दिला रखा था कि मैं अच्छा आदमी हूं। तो जब ये संसार से गए, तो परमात्मा ने कहा कि भाई तुमने तो संसार में बहुत गलत कार्य किए। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज जी, मैंने गलत कार्य नहीं किए। तो परमात्मा ने कहा कि भाई आपका नाम रामपाल है। तो उस व्यक्ति को देखिए गुरु प्रेमियों, जैसे कि इस संसार को धोखा दे रहा था, तो ऐसे सोचा कि मैं परमात्मा को भी धोखा दे दूंगा। उसने कहा कि महाराज गुरुवर के रामपाल हमारे गांव में चार है, क्या पता गुरुजी आपने खाता किसी और का देख लिया हो, क्योंकि दो तो वाल्मीकि में है और एक सिख में है और एक जाट में है। तो गुरु प्रेमियों, ये इंसान इस संसार को धोखा दे सकता है, लेकिन उस परमपिता परमात्मा को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि संत महापुरुष बताते हैं आहार निद्रा भय संतित्व सामान्य मेतत पशु भी नरा नाम ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्टम ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। के चार गुण सबके अंदर होते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो। जैसे कि आहार, आहार माने भोजन, भोजन इंसान भी करते हैं और जो पशु पक्षी है वो भी करते हैं। भय इंसान के अंदर भी होता है और जो पक्षी होते हैं पशु होते हैं उनके अंदर भी होता है। संतान इंसान के पास भी होती है, जो पशु पक्षी होते उनके पास भी होते हैं। ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्टम ज्ञाने निहीना पशु भी समाना। अगर वही कार्य तो इंसान कर रहे हैं, वही कार्य पशु कर रहे हैं, तो फिर उस इंसान और पशुओं में क्या अंतर हुआ। तो गुरु प्रेमियों, हमें गुरु महाराज के साथ चलना चाहिए, संत महापुरुषों की बातों को मानना चाहिए। जो संत महापुरुषों का संदेश था,
संत महापुरुषों का उपदेश था उस पे चलना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। क्योंकि इंसान हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। तो गुरु प्रेमियों, जैसे कि संत महापुरुष प्रचार प्रसार करते हैं, जैसे कि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने अपना जीवन ही इस संसार के लिए लगा दिया, इस मनुष्य को जगाने के लिए, जो मनुष्य अज्ञान की निद्रा में सोए हुए थे उनको कहा कि उठ, क्या तूने ये सब कुछ सच मान लिया? उससे भी आगे बहुत कुछ है। तो गुरु प्रेमी हो, जो हमको मनुष्य का चोला प्राप्त हुआ है उसमें हमें भजन सिमरन करना चाहिए। इस बात को संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी कहा है, भक्ति श्रम साधना जग में जिनके पास, तिन ही जीवन सफल भयो, सत भाके रविदास। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते कि इंसान को भक्ति भी करनी चाहिए और श्रम मेहनत भी करनी चाहिए, और जो उसका व्यवसाय है, मेहनत है, मजदूरी है, बिजनेस है, वो भी करना चाहिए, उस इंसान का जीवन ही सफल हो जाता है। ऐसे नहीं कहते संत महापुरुष के आप सुबह से लेके शाम तक भजन करो। अगर आप सुबह से शाम तक भजन करोगे तो फिर आप शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाओगे, जो आपका परिवार है वो फिर चल नहीं पाएगा। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज का नाम भी लो। जब सुबह उठो तो सबसे पहले गुरु के दरबार में नतमस्तक हो, गुरु महाराज से अरदास करो, विनती करो कि परमात्मा परमपिता सतगुरु स्वामी जी, जो मेरा दिन है, जो मेरी सुबह की शुरुआत है, वो आपके आशीर्वाद से हो, मेरे मुख से कोई ऐसा कटु वचन ना निकले ताकि किसी को ठेस पहुंचे, मेरे हाथों से कोई ऐसा कार्य ना हो तो किसी को ठेस पहुंचे। तो गुरु प्रेम, जब आप शाम के टाइम वापस अपने घर पे आओ तब भी हाथ मुंह धो के गुरु के दरबार में बंदगी करो और गुरु महाराज से अरदास करो, गुरु महाराज कि आज मेरा दिन आपकी कृपा से अच्छा रहा, आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहा। तो गुरु प्रेमियों, अगर आप ऐसे करोगे तो आपका जीवन ही सफल हो जाएगा।